हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेम राधे 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो एक्चुअली 3 साल का होता है, ठीक है, लेकिन इसे कंप्लीट करने में 4 साल लग जाते हैं। और बाकी जो अदर ब्रांच है जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो ये 3 साल का कोर्स होता है और 3 साल ही लगते हैं इसे कम्प्लीट करने में, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या ये दोनों ब्रांच, माइनिंग ब्रांच और अदर ब्रांच, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या अलग हैं, क्या अदर ब्रांच वालों को भी बाहरी फील्ड से मतलब रखना पड़ता है, ठीक है, और सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अदर ब्रांच का, ठीक है, जो डिप्लोमा से अदर ब्रांच जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जो कर रहे हैं, तो ये इनका कोर्स 3 साल का होता है और इनको 3 साल ही लगते हैं कोर्स कंप्लीट करने में, ठीक है। सेमेस्टर भाई अपना एग्ज़ाम दिए, कॉलेज ख़त्म, ठीक है, और कॉलेज से जो सारा कुछ सर्टिफिकेट वगैरह लेना रहता है वो सब ले होकर इनका 3 साल का कोर्स होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और अगर कहीं प्लेसमेंट होता है तो ये प्लेसमेंट में चले जाते हैं, लेकिन माइनिंग ब्रांच में ऐसा नहीं है। माइनिंग ब्रांच में है कि आपका 3 साल का कॉलेज है, ठीक है, और बाहरी फील्ड से भी आपको मतलब रखना है, क्योंकि आपको पता ही है कि इसमें कितने सारा सर्टिफिकेट को हमें लेना होता है, ठीक है। और 3 साल कोर्स कंप्लीट करने के बाद 1 साल लास्ट में PDPT करना होता है, जो कि अगर आप PDPT नहीं कीजिएगा तो जो 3 साल का जो आप कोर्स किए हैं माइनिंग ब्रांच से वो आपका समझिए कि नहीं के बराबर हो जाएगा। जब तक आप PDPD का कोर्स नहीं कीजिएगा तो आपको ओवरमैन का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और जब तक आप ओवरमैन का सर्टिफिकेट नहीं लीजिएगा तब तक आप गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए एलिजिबल ही नहीं हो सकते हैं, समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, ठीक है। इसलिए डिप्लोमा इन माइनिंग जो है वो 3 साल का तो कोर्स होता है, लेकिन इसे कंप्लीट करने में एक्चुअली 4 साल लग जाता है PDPT का 1 साल का ट्रेनिंग लेते हुए, ठीक है। और अदर ब्रांच में ऐसा नहीं है, अदर ब्रांच में 3 साल का कोर्स है और 3 साल ही लगता है, ठीक है। कॉलेज ख़त्म, प्लेसमेंट हुआ तो प्लेसमेंट में चले जाते हैं, और नहीं तो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करने लगता है। लेकिन माइनिंग ब्रांच में 3 साल का कोर्स होता है प्लस में 1 साल का PDPD ट्रेनिंग होता है, जो कि वो अनिवार्य है करना, उसके बिना तो समझिए कि 3 साल का जो कोर्स है वो अधूरा है। इसलिए कहा जाता है कि 3 साल का इसलिए कहा जाता है कि डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग कंप्लीट करने में 4 साल लग जाते हैं, और जो सारा सर्टिफिकेट लेना होता है, ठीक है, और जो जो सर्टिफिकेट लेना होता है उसका तो मैं वीडियो बना दिया हूँ, अगर आप नहीं देखे तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप देख सकते हैं कि माइनिंग स्टूडेंट के पास या जो माइनिंग ब्रांच से जो पास आउट हो गए हैं उनको कौन कौन सा सर्टिफिकेट अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ रहा जो कि डिप्लोमा इन माइनिंग जो कर रहा है तो उसको 4 साल लग जाते हैं कंप्लीट करने में, ठीक है, और ये अदर ब्रांच से भी अलग है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।